Assalamualaikum. Welcome back to brand new vlog. Guys, so welcome back दोबारा. मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था मैं डेली व्लॉग बनाऊंगा, पर यार नहीं बनाया जाता. जो मर्जी कर लो. जो भी मेरी तरह नए नए व्लॉगिंग जिन्होंने भी स्टार्ट किया है वो बताएं मुझे, क्या डेली व्लॉग बनाया जाता है? नहीं. डेली व्लॉग वही बंदा बना सकता है जो, जाहिर सी बात है, जो प्रोफेशनल व्लॉगर है और जिसका रोजगार व्लॉगिंग से है. क्योंकि मैं गाड़ियों का भी कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी का भी कर रहा हूँ, फैमिली को भी टाइम देना है. व्लॉगिंग पे बड़ी कोशिश करता हूँ मैं यार, डेली बनाना है, बड़ी कोशिश करता हूँ, वादा करता हूँ, अपने आप से वादा करता हूँ कि डेली व्लॉगिंग करनी है. आप बिलीव करो, नहीं बनता व्लॉग डेली. कोशिश करो भी ना, थोड़ा सा बना लो, वो अगला सारा दिन भूला होता है, कामों में मसरूफियत में बंदा भूल जाता है, नहीं समझ लगती. पर आज भी मैं आया था काने, तो ये दिखा, ये काना आया हूँ मैं, काम आया था जरा, तो अभी मैं इंतज़ार में था. तो मैं क्या व्लॉग स्टार्ट करता हूँ पर कंटेंट कोई नहीं, फिर मैं क्या स्टार्ट करो, कोई ना कोई कंटेंट मिल ही जाता है. तो स्टार्ट कर लिया, फ्री था तो टाइम भी था, मैं क्या व्लॉग स्टार्ट करें. तो खैर यार आपकी मेहरबानी है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दें. अगर सपोर्ट कर देंगे ना तो एक लालच पैदा हो जाएगी कि यार व्लॉगिंग करने की. कोई सपोर्ट ही नहीं करता फिर कहता यार अपने ऐसे ही बनाना है. मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए बनाऊँ, तो यार काइंडली सपोर्ट कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को. व्यूज़ देते हैं तो लाइक भी कर दें, अगर लाइक कोई नहीं देता, 100 व्यूज़ आते हैं तो 10 लाइक आते हैं, मैच नहीं होता, 100 के साथ 50 तो मैच होने चाहिए ना. बात तो सही है. 100 और 10 का कोई कंपेरिजन नहीं आपस में. यार आपकी मेहरबानी यार, लाइक कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें. एक दो भाई हैं मेरे, वसीम भाई हैं सऊदीया से, वो मेरी हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ. उन्होंने मुझे सब्सक्राइबर भी बड़े दिए हैं, तो वसीम भाई थैंक यू आपका. बाकी यार ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें. तो अभी व्लॉग तो स्टार्ट कर दिया, अभी कंटेंट कोई नहीं है, अभी इंतज़ार में हो. तो जैसे इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है तो फिर आगे व्लॉग को मज़ीद स्टार्ट करते हैं. तब तक थोड़ा सा वेट करते हैं इधर के, बल्कि ये नहीं पता कितना वेट करना, थोड़ी देर अभी घंटा से अभी वेट करना पड़ेगा. तब तक मैं इधर बाजार बदूर घूमूँ, भूख बड़ी लगी, दोपहर के बज गए 3, कुछ खाते पीते हैं, पेट में थोड़ी सी पेट पूजा आ जाएगी. पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, पेट पूजा करते हैं और सोचते हैं फिर आगे सारा दिन क्या करना है. क्योंकि अभी तक सुबह से तो कोई काम नहीं था, एक ही काम था इधर खाना आना, वो आ गया हूँ. अगले दिन की कोई रूटीन नहीं मेरे माइंड में भी, तो इंशाल्लाह पहले खाना शाना खाएं, तो उसके बाद नेक्स्ट मिलते हैं. A few moments later. तो खाना खाने जाने लगा था तो बेगम कहती थोड़ी देर ठहर जाए, खाना मैं आपको खिलाती. असल में मैं आया था खाने अपने किसी काम, मतलब गाड़ी देखने के लिए आया था. तो इसने भी आना था खाने. ओए क्या कर रहा है तू, बच्चो ये क्या कर रहा है तू? पाइन इंज नहीं खाई दी चीज, मैं तो सबर कर लगा, कितने सबर करे यार. मैं बता रहा था खाना खाने के लिए मैं निकलने लगा था बेगम, तो उसने देख लिया, कहती किधर, मैं खाना खाने जा रहा हूँ. कहती ठहर जे मैं आपको खाना खिलाती हूँ. मैं कहा मेहरबानी, नेकी और पूछ. तो असल में मैं आया था खाने, आपको बताया गाड़ी के लिए, गाड़ी देखने के लिए. तो इसने आना था इधर, इसने भी खाने ही आना था. तो मुझे कहती कि आप मुझे ले जाओ, पेट्रोल भी मैं आपको आ जाएंगे. मैं कहा चल फिर, मेरा फ्री का किराया भर गया. तो मैं आ गया लेके, फिर अब बस मुझे एक घंटा एक इंतज़ार करना पड़ना है पेट्रोल के लिए और खाने के लिए. यार कहती मेरे पास एक घंटे का काम है, मैं आपको खुद ही खाना खिलाऊंगी, पीता शीता खिलाऊंगी. तो फिर मैंने पेट को समझाया कि सब्र, घंटा एक सब्र. तो घंटा एक मज़ीद सब्र करता हूँ, उतनी देर मैं टिकटॉक पर लाइव बैठता हूँ. तो तब तक आप करें इंतज़ार, एक घंटे बाद मिलते हैं. 3 hours later. Finally, 3 घंटे बाद बेगम आई है और साथ ये प्लेटें ले यही चावलों के, मुझे था कि कुछ और खाएंगे. 3 घंटे बाद आई है, 3 घंटे के बाद ये चावलों की 2 प्लेटें आ गई हैं. देखो जी सीना भी ले तो आया खाना, क्यों डाउट बोटी भोग भी है, ये चाय भी है, ये क्या केड़ी चाय है? देखो जी भोग भी आई थी यार, खाना शाना खाया. दोबारा आगे देखते हैं क्या करते हैं. ये भोग अंदर छोड़ के नहीं आया? खाना खाना आपने? हां. क्या है आपके, क्या खाना है आपके लिए?
पहले भी कॉल गई थी आपको, फैजिया पीछे आ जाओ मेरे साथ। चले खाना खाना। ये फैजी की हाथ भिजवाई नहीं थी। मजेदार। जी गाइस, तो 4-5 घंटे बाद फाइनली अब निकल गए घर के लिए। मेरा था जहन के पीला शीता खाऊंगा, पर वो बिरयानी खिला दी। खैर मतलब बिरयानी भी ठीक थी, गुजारा हो गया, पेट का अच्छा गुजारा हो गया। अब तो रात को 12 बजे के बाद ही कुछ खाऊंगा। तो फाइनली अब निकले घर के लिए। सवेरा ने 2-3 दिन से लड़ाई डाली है कि उसे बोतल चाहिए पानी वाली। सर्दियाँ आ गई और पानी गर्मियों वाली जो पानी की बोतल नहीं होती ठंडा रखने वाली, वो वाली बोतल चाहिए उसे। पता नहीं इसको क्या वो उस चीज़ का चढ़ा हुआ जुनून कि मुझे बोतल ला कर दो, बोतल ला कर दो। तो ये डेली अपनी मामा से, डेली मेरे से इसकी लड़ाई, डेली लड़ाई चल रही है। तो आज इसकी माँ की खैर नहीं है। आज ज्यादा कतल, आज इसका वाजिबुल कतल है बेगम का। मेरे को, मेरे तो नहीं, धीरे तो ही कतल होना था। पापा जाने को फोन किया था ना उसे जाके। तो खैर अब जा रहे हैं घर पे, निकल गए यहाँ से घर के लिए। तो घर की जाकर सूरत हाल देखते हैं सवेरा का मूड कैसा है, क्योंकि सवेरा को बिल्कुल पता नहीं है कि हम आए निकले हैं। और सवेरा जब पता लगना ना ये मेरे साथ गए हैं, तो फिर देखने वाला तमाशा होना। वो तमाशा आपको मैं लाजमी दिखाऊंगा आज। तो भी चलें घर के लिए, मैं बड़ा थक गया हूँ, 5 घंटे एक जगह पे बैठा रहा हूँ बस मैं। तो अब निकलते हैं घर, बेगम कुछ डालेंगे इस चीज़ का जुर्माना, वो बाद में बताऊँ। तो अभी चलते हैं घर, तो घर जाके करते हैं। जी गाइस, तो फाइनली घर के करीब पहुंचा हूं और सवेरा को कॉल कर दी कि बाहर आ जा। और सवेरा आ रही है, सवेरा को पिक करते और आगे निकलते उसकी बोतल लेने के लिए। सवेरा को बैठा लिया हमने गाड़ी में, घर से उठा लिया, बल्कि घर से उठाया नहीं, इसके घर से बुला लिया। तो निकल गए बोतल लेने के लिए। सवेरा की पहले लेनी है बोतल, जिस वजह से काफ़ी दिनों से इसकी मामा के साथ इसकी जंग हो रही है। और इससे पूछे थे, हाँ जी सवेरा जंग हो रही है कि नहीं हो रही? मुझे पकड़ा दो, मैंने कहा नजर ही नहीं आ रही है। और क्या इतने दिनों से मम्मा को मैंने कहा वो मेरी बोतल लेके आओ, बोतल लेके आओ, लेके ही नहीं आए। तो अविश्वास में कुछ जा रही लेने हैं। बताओ ना कि ये समझ नहीं आया तेरा लॉजिक, सर्दियों में तुझे बोतल की इतनी अशद जरूरत क्या पड़ गई? बता ना। मुझे जब भी चाहिए मैं लूंगी। नहीं, सर्दियों में तेरा बोतल, मैंने गर्मियों में भी कहा था। तो गर्मियों में जो मेरी बोतल आई थी वो तूने गवा दी। हाँ तो नहीं लेनी है, इसकी लगता किसी के साथ लगी है शर्त, जिस वजह से इसने अपनी मामा के साथ 3-4 दिन अच्छी खासी जंग की है। कल तो इसका वैन देखने वाला था, जो इसने वैन डाला की दसा तन मैं, क्या कमाल का इसने बैंड डाला। तो खीर इसके बैंड इसे एक मिनट। गाइस मैं कह रहा था इसने 2-3 दिन पहले अपने घर में बैंड डाला। वो क्या बैंड था इसका देखने वाला, वो व्लॉग नहीं मैं बना सका उसका, पर बड़ा आला किस्म का बैंड डाला इसने। अपनी मामा से लड़ाई डाली, पर आज इसकी मामा मजबूर काम करके फ्री हुई है सलोन का। तो कहती पहले मैंने लिया था नहीं, तेने घाट नहीं बढ़न देना। तो ये हकीकत थी इसका। 4 बजे मदरसे से छुट्टी होती है, 4 बजे मदरसे से छुट्टी होती है। इसने छुट्टी होते साथ ही मेरे को फोन लगा, मामा किधर है, मामा ने के साथ जाना है, ये है वो है। तो सब बड़ा कुछ कहा हूँ तू कैमरे दे झूठ बोलने में। तो कहते इसकी जा रहे हैं बोतल लेने के लिए, इसकी बोतल लेते हैं, इसके बोतल इसके मारते हैं सर पे, फिर उसके बाद भी होगा मिलते हैं। हाँ जी गाइस, बड़ा मजे का एक सीन हो गया। सीन क्या हो गया, हम तो आए हैं अपना फर्ज निभाने के लिए, पर आगे बाजार पर देखो, देखो बाजार पर, ये देखो दुकानें बंद, ये देखो दुकानें बंद। आप ये देखो दुकानें बंद, सारी दुकानें बंद। स्मोक की वजह से ना 8 बजे दुकानें करवा देते हैं बंद। तकरीबन 8 तो बज गए हैं, हम जब 8 बजे आए हैं। चलो पुत्र साड़ा कोई कसूर नहीं, हम आज भी आए हैं, सारी दुकानें बंद है। देखो नेरा आया, नेरा हर पासे, नेरा नेरा छा गया हर पासे। तो गाइस आज फिर तो वैसे बच गए। तो अब हम जाएंगे यहाँ से हॉस्पिटल,
तो वो उनके ना चाचू हैं, उनका बाईपास ऑपरेशन हुआ, बाईपास ऑपरेट हुआ, तो खैर खरी से हो गया ऑपरेट उनका, तो आज आ रहे हैं उनको मिलने के लिए, मुलाकात के लिए। तो अभी जाते हैं होमियो हॉस्पिटल, वहाँ पे जाके करते हैं बात, क्योंकि यहाँ का वाला तो प्रोग्राम फिर आगे बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया। हाँ जी, प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो अब जा रहे हैं होमियो हॉस्पिटल, उधर जाके करते हैं। गाइस, अब पहुंच चुके हैं न्यू हॉस्पिटल है, क्या होता है। तो हम पहुंच चुके हैं न्यू हॉस्पिटल। बोतल, मेरी बोतल चार बाग बंद हो चुका था, इस वजह से मेरी बोतल नहीं मिली, तो मेरी बोतल कल मिलेगी। लग रहा कल भी नहीं मिलेगा, लग रहा कल भी नहीं मिलेगा, कल तो मिलेगी मिलेगी मिलेगी। चलते हैं, खुले हुई ना दुकान, बाबा जितना खुश हो रहा है, महंगी बोतल लेनी है, देख लेना घूमनी की हो गई, आगे तो घूमना बुढ़िया हुई ना, कभी इतने घुमा दो, दिमाग ही नहीं होता, छोड़ो। न्यू हॉस्पिटल पहुंच गए हम, तो यहाँ पे तमादरी करने आए हैं सवेरा के, ना सवेरा क्या नाना भू लगते हैं, मतलब दूसरे नाना भू, उनका बाईपास ऑपरेट हुआ आपको बताया, तो चलते हैं अंदर, जाते हैं उनकी तरफ, उनसे मुलाकात करते हैं, उनका हाल चाल पता करते हैं, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, आप भी दुआ कीजिएगा। तो फाइनली हम गढ़ी वार्ड वाली साइड पे जा रहे हैं, अभी बच्चा वार्ड पहुँचे हम, बच्चा वार्ड पहुँचे ना, गढ़ी वार्ड आने वाला है। सवेरा को बोतल की पड़ी है, सवेरा ने एक दफा भी नहीं कहा, मैंने चाचू का नाना को हाल चाल पता करने जा रही हूँ, ठीक होंगे। हेलो जी, तुसी प्लाजा चेक कर लो जी, देख लो जी बंद है, किथे प्लाजा बंद है, बंद है, बंद नहीं नजर आ रहा, शुक्र खुला हुआ है, यहाँ सिर्फ गर्म, यहाँ से सिर्फ न्यू हॉस्पिटल का घड़ी वार नजर आ रहा, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ कितने घड़ी वार, वो देखिए घड़ी वार, चुप कर जा पुत्र। तो चलते हैं, गाड़ी लगाते हैं पार्किंग पे, तो अंदर चलते हैं जाके हाल चाल पता करें, दोबारा आपसे करते हैं बात। A few moments later. जी गाइस, तो आए थे हम हॉस्पिटल मिलने के लिए, अब बिलीव करो 2 या 3 मिनट हम इधर खड़े हुए बस, तो अंदर गए हैं तो उन्होंने मिलने नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है उनका ऑपरेट था बाईपास का, तो हर बंदे को मिलने की इजाज़त भी नहीं है, तो हमारा फिलहाल तो चक्कर ही पड़ा है। चलो खैर, आए तो हैं मिलने, बाकी अब घर आएंगे तो इंशाल्लाह उनसे मुलाकात होगी, अल्लाह ताला ने खैर करिए से घर लेके आए और उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, बाकी अब निकलते हैं घर के लिए। और ये फैजी साहब देखे क्या कह रहे हैं, ओए ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा तू, ये नदियाँ बहा रहे इधर नदियाँ, तो खैर चलते हैं, इनको बड़े आया था जोर से शीह, कहता मैंने शीह करना है, तूने शीह किधर किया, गंदा बच्चा, ये तुझे कैसे किया जी, को जरा शर्म नहीं आती। क्या अभी निकलते हैं घर के लिए, तो आ जाए हॉस्पिटल से वापसी पे मिल लग गया, मेरे पास हैं देखिए, हम आ गए दही भले, ये दही भले शाद बाग में लगाते हैं भाई, शादा सेठी की कोठी के पास, उनके दही भले बहुत ही फेमस है, बहुत मजेदार है, तो अब मैं तो खाने आया था, फ्रूट चाट वो मिली नहीं, अब दही भले सेरा का नहीं भले, दही भले मीठी चटनी नहीं डाले, मीठी चटनी तो डाले, तूने मीठी चटनी वाले खाना, मैं कोई नहीं खाने, एक सवेरा का था एक सवेरा की नानों का था, मैं पेट फुल है, 2 बिरयानी की प्लेटें खा ली मैंने, फैजी की प्लेट मैंने खाई, अपनी भी प्लेट मैंने खाई, चल इनको दे प्लेट लाते हैं फिर घर चलते हैं। को क्या भाई, साग को क्या भाई, इसको यार दे प्लेट खा ले, उसके बाद निकलते हैं।
मजेदार ठंडे ठार। जल्दी जल्दी खा तो चलिए कार। क्या बन गया बाबा? इधर शेर। अच्छा, इधर अच्छा, इधर अच्छा, अच्छा, मैंने बोला हमने खाई थी बिरयानी, तो अब ऐसे कैसे हो सकता था कि सवेरा कुछ ही ना खाए। मुझे दही भल्ले वैसे भी काफी दिन से खाने का दिल कर रहा है। मन कर रहा था तुम्हारा? मन कर मन नहीं होता, दिल होता है। आज तूने दिल का आगे पीछे तो कर रही थी, मेरा मन कर रहा था। इसकी आत्मा पे क्या हो गया? बड़ी आत्मा पे क्या सुख शांति हो गई आत्मा पे। आज सवेरा को ना मतलब बोतल तो मिली नहीं, बोतल के बदले से दही भले खिला के इसका मुंह बंद किया आज यार एक दिन के लिए। कल फिर यही रंडी रोना दोबारा से लेगा। हाँ यार इसको दही भले खिलाए और फिर चलते हैं घर। ठीक है तो हम आ गए घर। घर आके मैंने कपड़े शपड़े चेंज किए, फ्रेश हो गया हूँ, तो अब करते हैं सोने की तैयारी क्योंकि सुबह 11 बजे से निकला हूँ घर से और रात के 11 बज गए इस टाइम। इस टाइम मेरी फुल मेरी मत बजी है, बड़ी नींद आ रही है, चेहरे से भी लग रहा होगा। खैर अब सोए क्योंकि सुबह 11 बजे से निकला हुआ हूँ और तकरीबन 5 से 6 घंटे इन दो बच्चों को संभाला है और एक ही जगह पे स्टील गाड़ी में बैठ रहा हूँ। अब तकरीबन मेरी बस हो गई है वापसी में। इन्होंने सवेरा की बोतल लेने चले गए, बोतल नहीं मिली, फिर हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल से भी मुलाकात नहीं हो सकी। अके साढ़े अब घर आए हैं, अब आके सोने लगा। तो आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं क्योंकि मेरी में अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है व्लॉग बनाने की। सेरा को भी कोई खिचड़ी, वो तो आते सारी उस हो गई है, उसे सुबह मदरसे जाना और मेरी भी बस हो गई। मैं अभी व्लॉग सोने लगा था फिर मुझे याद आ गया कि व्लॉग तो एंड किया नहीं, फिर उठ के दोबारा व्लॉग लाइटें जलाई कमरे की, मैंने कहा मैं व्लॉग एंड करूँ। तो खैर अभी सोने लगे तो सुबह इंशाल्लाह नया व्लॉग बनाऊँगा। तो आज का जैसा ही बना है इसको इतना सा इंजॉय करें। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे प्यारा सा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें यार। आप कुछ भी नहीं करते ना, व्यूज़ आते देते हो थोड़े बहुत, लाइक कोई नहीं देते, शेयर कोई नहीं करता, कमेंट भी कोई नहीं करता। एक वसीम भाई है जिनका मैंने पहले ही बताया, वही है बस जो मुखलस होकर से कमेंट करते हैं। खैर थैंक यू फिर एक दफ़ा वसीम भाई आपका। बाकी इंशाल्लाह कल नए ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।